हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट विमान AN-32 का 7 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया। इसी बीच गोहाना के कोहला गांव के रहने वाले पंकज सांगवान, जो कि एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट विमान AN-32 में सवार थे, उनके परिजनों ने अब सरकार से जल्द विमान को खोजने की मांग की है। इसी के साथ परिजनों ने सरकार द्वारा सूचना देने वाले को 5 लाख इनाम देने की घोषणा की सराहना की है, सही करार दिया है। पंकज की मां ने सरकार से अपने बेटे की जल्द से जल्द तलाश कर उसे सही सलामत लौटाने की मांग की है। बता दें कि विमान AN-32 अरुणाचल प्रदेश में मेचुका एयरफील्ड से 3 जून को लापता हो गया था, जिसका आज तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। आज तक से कोई नहीं था, 7 दिन हो गए, 3 तारीख की एक आनी है, आज 9 तारीख हो गया। 6 मार्च का फोन आ रहा, 3 तारीख को उसने ये घटना बताई, वैसे हो गए। और उसके बाद हम करते रहे, तुम जो आ गए थे वही कोर्ट जा रही है, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा था। और जो नेवी की तरफ से सुविधा रही थी वो आज वापसी चली गई है, और हमारा प्रीता कोच जा रही है अभी, उसके बाद आज भी फोन आ रहा सरकार ने अच्छा ही सोच कर उठाया हुआ जी, जहाँ इस बार में से कोई दिक्कत नहीं, वहाँ के ग्रामीण में हमारे से ज़्यादा ज्ञान है उसी जी का, बच्चे का पता चल जाए, और मैं तो ग्रामीण और टीचर।